आप देख रहे हैं CN24। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रेट परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिमल महिला महाविद्यालय में हो रहे शोध पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पहले चरण की परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसको लेकर छात्रों ने हंगामा किया। आगे गरीब माता पिता किसान मजदूर अपना ये गाड़ी कमाई गाई के खजान रुपए का पैसा ये फीस है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके पैसे को कमाई करना चाहते हैं, आपके पैसे को ये खाना चाहते हैं। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह और सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने छात्रों को समझाकर शांत करवाया। उसके बाद दूसरे पाली की परीक्षा शुरू कराई गई। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए छात्र नेता अंशुमान पाठक ने बताया, विद्यालय द्वारा रेट की परीक्षा का आयोजन आज कराया जा रहा था और विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर गोरखपुर शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसपे लोग ऑफलाइन परीक्षा केंद्र बनाकर वहां पर परीक्षाएं करा रहे थे। लेकिन आज बिमल महाविद्यालय पादरी बाजार पे इस केंद्र पर जब परीक्षाएं प्रारंभ हुई है तो छात्रों को शुरू से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद हम लोगों ने इस परीक्षा केंद्र पर जितनी भी परीक्षाएं थी हम लोगों ने मांग की कि ये सारी परीक्षाएं निरस्त की जाए और इनमें जो धांधली हो रही है, जिस प्रकार ये लोग गलत परीक्षाएं करा रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको बंद करें। बस हमारी यही मांगे थी। धन्यवाद।